साउथ अफ्रीका वन द टॉस। ऐसा नहीं चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। 3D शंकर स्वाहा। डमरू बाबा नमस्ते। बाबा मैं कितना भी ट्राई कर लूं टॉस ही नहीं जीत पाता, कोई उपाय बताइए। तुम्हारे तो चेहरे से ही भक्ति टपक रही है बेटे। तुम्हारे पीछे कोहली शस्त्रों का हाथ है बेटे। जाओ बेन स्टोक नाम को 100 बार जप के आओ। बाबा तुसी तो ग्रेट हो यार, मैं अभी जाके नाम जप के आता हूँ। विजय शंकर अस्तु। बेन स्टोक। अरे टोटू भाई टॉस कौन जीता? आता फिर का बंदा टॉस। चूज टू बॉल। केदार जादव पावर हिटिंग स्वाहा। बाबा मैं तो नाम जप के आया था, फिर कैसे टॉस हार गया मैं? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है बेटे, तुम्हारी किस्मत ही झंड है। साउथ अफ्रीका वन द टॉस। चूज टू बॉल। भाई ये सुन सुन के ना मेरे कानों से खून निकलना शुरू हो जाएगा। भाई कोई आदमी इतना टॉस कैसे हार सकता है यार। भाई नहीं भाई, मैं तो टॉस देखने छोड़ दिया हूँ। इतना भरोसा है कि इंडिया टॉस हार जाएगी? नहीं, इतना तो भरोसा है कि जब तक पंत भाई है ना टॉस तो या। नहीं यार, अपने विराट भाई भी इतनी बुरी नहीं थे यार, मतलब 4 में से 1 बार तो टॉस जीत ही जाते थे, पर अपने स्पाइडरमैन तो भाई अलग ही लेवल है यार। भैया हमें तो आज भी समझ नहीं आ रहा, बहू माँ की किस्मत अच्छी है या हमारी झंड। मतलब टॉस नहीं होगा, UPSC का एग्जाम हो गया बेन स्टोक, 4th अटेम्प्ट में भी क्लियर नहीं हो रहा। हमारी पहले वाली लाइफ ही अच्छी थी यार, दिन में स्टम्प के पीछे से भक्चोदी करते थे और शाम को उर्वशी के साथ करते थे बातें। जितनी बार अपने स्पाइडरमैन टॉस हारे हैं ना उतनी विकेट गिरी थी इंग्लैंड की, पर बनाए कितने रन? 498 भाई साहब। 498। अबे यार एक टाइम के लिए तो नेदरलैंड्स के प्लेयर्स ने भी बोल दिया होगा मारे डालोगे क्या भाई लोग। ये तो वैसे हो गया जैसे बचपन में अंकल लोग बोलते थे, बेटा 2 बॉल खिला दे 2 ओवर बोल के 50 ओवर खेल लेते थे, फिर ऐसे ही रन बनते थे। 498 भाई साहब, एक इनिंग में 3 अलग अलग लोगों ने सेंचुरीज बनाई है, 3 सेंचुरीज। विराट भाई देखो यार, बेन स्टोक यही है तुम्हारा इक्वलिटी? यहाँ पे 3 साल से घसे जा रहे, सेंचुरी नहीं लग रही है, वहाँ पे एक इनिंग में 3 सेंचुरी। नहीं यार मेरे को भी नेदरलैंड जाना है। टोटू भैया अपनी बैटिंग तो सही लग रही है वैसे, जिंदगी में पहली बार सही बोल रहा है तू। ईशान ऋतु सब फॉर्म में चल रहे हैं, अब अपन वो लोग नहीं रहे यार जो कोलैप्स कर जाते थे। ऋषभ भाई आ गए। पंत भाई संभाल लोगे ना? क्या है ना इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, सो आई एम आउट। पर स्टंप के पीछे से भक्चोदी करनी हो ना तो बुलाना जरूर। DK Popa is back boys। जब 4 विकेट गिर गए थे ना भाई तुम्हारा तो पता नहीं, मुझे तो लगा अपने लग गए भाई, अपनी बच सकते। तभी DK Popa आए और बोले, भरोसा रखिए पुराने खिलाड़ी। DK Popa की शक्तियाँ देख रहे हो भाई तुम, इनकी शक्तियाँ फीकी पड़ गई उनके सामने। नहीं तो चोपड़ा साहब ने तो बंदोबस्त कर दिया था अपने एल लगाने का, और जो सुताई की है भाई, जो बैटिंग की है DK Popa ने, भाई कसम से बता रहा हूँ मजा आया। टुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, तुम्हारे भाई के जीने का मंत्र है। ऐसी हमको DK Popa नहीं बुलाते यार, जो खड़े खड़े बॉलर्स को पेल दे वो है DK Popa, जो आकाश चोपड़ा की शक्तियों को बेअसर कर दे वो है DK Popa। DK Popa सिर्फ नाम नहीं है छोटे, ब्रांड है ब्रांड। साउथ अफ्रीका जब बैटिंग करने आई तो भाई एक कांड हो गया, हमारे छोटे से नन्हे से प्यारे से बहुमा भाई रिटायर हट हो गए। सो सैड फॉर यू बहुमा भाई, जल्दी से ठीक हो जाओ यार। अच्छा हो गया, आउट हो गया, बुट गया। बोलने को तो कैप्टन ने 15 बॉल 15 रन, 16 बॉल 16 रन, T20 में टेस्ट खेलता है। आउट हो गया, अच्छा हो गया। ये कैमरा चालू है, ये कट कर देना। हमारे लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा, हमें 2 मैच जीतने के लिए तारीफ करे या 2 मैच हारने के लिए गाली दे। वो तो बड़े प्यार से यही बोल रहे हैं, बहुत अच्छा खेले गांड मराओ। जैसे ही हम रिटायर हर्ट हुए हमारे लोगों ने पटाखे फोड़ना शुरू कर दिए, पता नहीं क्यों। पर कुछ भी बोलो यार, मैच हारे या जीते, पर एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारे भाई से टॉस कोई नहीं जीत सकता। जब अपनी बॉलिंग शुरू हुई ना तो हमारे क्विंटन डी कॉक रन आउट हो गए, और करा किसने? हमारे भागते हुए स्पिनर हर्षल पटेल। तुम्हारे भाई की सिर्फ बॉलिंग की स्पीड कम है यार, बाकी के काम तो हम घपा घपी करते हैं, मतलब रन आउट फील्डिंग घपा घप करते हैं हम। और भाई अपने छुपे रुस्तम निकले अपने आवेश भाई, मतलब 3 मैच में घंटा विकेट नहीं लिया, और साउथ अफ्रीका को बोला आओ आओ अफ्रीका वालों तुमको सीरीज जिताता हूँ। और अफ्रीका वालों को भी लगा होगा ये तो अपना ही आदमी है, रन भी देता है विकेट भी नहीं लेता, सही है यार। और जब अफ्रीका वाले पास आए अपने आवेश भैया ने तो काट दिया उनका, मैच में 4 विकेट 1 ओवर में 3 विकेट, गजब भाई साहब। चा मायला ये तो फुद्दू काट गया हमारा। तो भाई लोग आज के वीडियो के लिए इतना ही, रात के 1 बज रहे मैं शूट कर रहा हूँ, अभी जस्ट मैच खत्म हुआ है, 2 दिनों के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, पर लगा भाई लोग के लिए वीडियो तो बनानी है, तो रात को ही बनाएंगे वीडियो।
नींद आ रही है पर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।